तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप लोग जो है किसी भी जो है वो रियलमी स्मार्टफोन में डाटा को जो है वो एसडी कार्ड में कैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्योंकि जो रियलमी के स्मार्टफोन है उसमें आप लोगों को जो है वो बहुत कम स्टोरेज जो है वो देखने को मिलता है। और जो जुलाई के बाद अपडेट आया उसके बाद से आप लोग जो है अपने फ़ोन को क्लीन भी नहीं कर सकते हो। आप लोग जो है यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में और स्टोरेज में यहाँ पर जो है एक ग्रीन कलर का जो है वो आई बटन शो जो है वो होता था, बट इस अपडेट के बाद जो है वो हटा दिया गया है, क्योंकि जो सिक्योरिटी के इश्यूज थे इसीलिए। और जब जो है इंडिया में चाइनीज़ ऐप को जो है वो बैन भी करा गया था, तो इसीलिए जो है वो उस अपडेट के बाद हटा दिया गया। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा, आप लोग जो है रियलमी के स्मार्टफोन में, किसी भी रियलमी के स्मार्टफोन में डाटा को जो है वो एसडी कार्ड में कैसे डाल सकते हो। तो इसीलिए दोस्तों जो वीडियो है वो पूरी एंड तक और पूरे ध्यान से जरूर देखना, ताकि आप लोगों को जो है समझ आए आप लोग जो है कैसे डाटा को जो है वो एसडी कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आप लोग जो है कमेंट करते हो कि हमारा जो डाटा है वो एसडी कार्ड में जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए जो है वो वीडियो को जरूर एंड तक और बहुत जो है वो ध्यान से जरूर देखना, ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आ पाए कैसे जो है डाटा को एसडी कार्ड में जो है वो आप लोग ट्रांसफ़र जो है वो कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो वीडियो को ध्यान से जो है वो पहले अगर आप जरूर हमारे देख। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्मित, आप देख रहे हैं टेक न्यूज ग्लोबल। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप लोगों को अपना जो है वो प्ले स्टोर जो है वो ओपन, सिंपली ओपन कर लेना है, और आप लोगों को यहाँ पर जो है वो सर्च करना होगा। फाइल्स बाय गूगल, तो आप लोगों को जो है ये सर्च करना होगा और इस ऐप को जो है वो अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। तो आप जैसे ही जो है वो ऐप को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ परमिशन लेगा वो स्टोरेज की, तो आप लोग जो इसे अलाउ जो है वो सिंपली कर देना है। अब अगर हम इस ऐप के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को जो है वो तीन ऑप्शन जो है वो देखने को मिलते हैं, क्लीन, ब्राउज, शेयर। तो आप लोग जो है इससे फाइल्स जो है वो शेयर भी कर सकते हो और ऐप्स जो है वो ले भी सकते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर क्लीन वाले ऑप्शन पे आप लोग जो है स्टोरेज दिखा देगा कितनी आपकी जो है वो यूज जो है वो स्टोरेज है, तो हमें जाना है ब्राउज वाले ऑप्शन पे। तो आप लोग जो है यहाँ पर बहुत सारे जो है वो ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं, डाउनलोड्स, इमेजेस, वीडियोस और ऑडियोस और डॉक्यूमेंट एंड अदर। तो आप लोग जो है जो भी जो है वो ट्रांसफ़र करना है तो आप लोग जो है इसमें जा सकते हो। जैसे तो अभी मैं जो है इमेजेस में जो है वो चला जाता हूँ, और यहाँ पर हमारी जो है इमेजेस जो है वो शो हो रही है। तो जैसे कि मैंने इन टू फाइल्स को जो है वो सिलेक्ट करा, अभी जो है इस पर कोई भी एसडी कार्ड का जो ऑप्शन है वो जो है वो शो नहीं हो रहा है। तो जैसे कि मैंने इन्हें सिलेक्ट करा और यहाँ पर आपको एक थ्री डॉट का जो है वो ऑप्शन मिलेगा और मूव टू का, तो आप लोग जो है मूव टू पे कर कर इसे एसडी कार्ड में जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये जो आपकी फाइल्स हैं वो जो है वो एसडी कार्ड में जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। और तो यार बस फिलहाल के लिए इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।